अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे कहते हैं फरा रफीक, और आज मुझे रियाज ने दिया सरप्राइज़। वो ऐसे दिया, अम्मी के घर से मुझे लेने आए थे घर के लिए, तो रास्ते में उन्होंने मुझे KFC ले गए हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में। और शादी के पूरे 6 साल बाद मैं हैप्पी न्यू ईयर मना रही हूँ फर्स्ट टाइम, वो भी बाहर अपने हस्बैंड के साथ 2 बच्चों के बाद। तो बस मैं बहुत खुश हो गई थी, रियाज ने अचानक से यूँ बोला, क्योंकि आधी रात को हम कहीं भी स्टे नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो आज तुम्हें मैं KFC खिलाता हूँ, क्योंकि रात में रियाज मुझे कहीं भी लेकर नहीं जाते। बस हम वेटिंग बहुत ज़्यादा थी और इंतज़ार कर रहे थे, मैं ऊपर जा रही थी डाइनिंग के लिए कुछ सीट अवेलेबल हो तो जाके बैठ जाऊँ मैं। बस हम यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ऊपर तो हाउसफुल था, फिर मैं वेटिंग में खड़ी हो गई, और इन दोनों को तो बस मौका चाहिए होता है, कहीं भी कुछ भी स्पेस मिल जाए ना तो बस इनको खेलना होता है, और हर बच्चा ऐसे ही करता है। तो जब बच्चे इस तरह खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ज़्यादा मेरे बच्चे इंजॉय कर रहे थे क्योंकि स्पेस मिलता है ना इनको, जहाँ भी ये लोग वहाँ बस भागना इनको होता है कि हम भागें हम खेलें, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। दब 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 बस यही चल रहा था, कभी जंपिंग हो रही है, कभी इधर कभी उधर, बस बाबा का वेट कर रहे थे ये लोग। जब तक बाबा नहीं आ रहे थे तो उनको मौका मिला हुआ था खेलने के लिए, कभी टेबल के ऊपर, कभी चेयर के ऊपर, बस इन लोगों को बस खेलना ही खेलना था। और यहाँ पे मैं आप लोग को हाय कर रही थी और बता रही थी कि मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों के साथ निकलना बस ये होता है कि अपना आप भूल जाओ और बस बच्चों को देखो, बच्चों पे नज़र रखो, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे इधर तो उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, बस इन्हीं चीज़ों में वक्त गुजर जाता है मेरा अक्सर जब भी मैं इन लोग के साथ गई हूँ। क्योंकि बच्चे जब शरारती हों ना तो वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, यानी कि रुक टिक के नहीं बैठते, शरारती बच्चे तो बिल्कुल टिक के नहीं बैठते। और जो ये कहते हैं कि जिनकी लड़कियाँ हैं वो बिल्कुल शरारती नहीं होती, वो बहुत गलत कहते हैं। वे तो इज़्ज़त और जन्नत का तो बस डांस शुरू हो गया था, फन कर रहे थे दोनों बहुत ज़्यादा। ये इनके स्टेप्स तो चेक कर रहे हैं जन्नत के, हमारे लगी हुई थी जो जैसा भी इनको आ रहा था कर रहे थे, वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे वो जन्नत को और इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा देख रहे थे, खुश भी हो रहे थे वो लोग देख के। उनको रोक भी नहीं, मत करो मत करो, पर सुन नहीं रही थी दोनों मेरी बात। और हम वेटिंग पे बैठे हुए थे, यहाँ टेबल्स तो मिल गई थी बैठने के लिए, चेयर्स और टेबल, लेकिन रियाज ही नहीं आए थे, वो नीचे थे, वो लेकर आ रहे थे अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और न्यू ईयर की खुशी में सब आज की रात तो सब ऐसा लग रहा था कि बस बाहर ही खाना खाने आए, तो इंतज़ार हो रहा था। और हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया था, रियाज आ चुके थे और हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि समझो हमने आधा घंटे से भी ज़्यादा, बल्कि एक घंटा हमने इंतज़ार किया है। इसके बाद देखा मैंने, मुझे पता ही नहीं था कि जिंगर ऑर्डर कराई है ब्रोस्ट पे, मैंने देखा तो ये ब्रोस्ट था, 5 पीस थे इसके अंदर, डील थी ये जिसमें फ्राइज था, 5 पीस चिकन थे और कोल्ड ड्रिंक थी, अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन पूरा नहीं खाया गया था, बाकी हम जो बचा था घर लेकर आ गए थे। रियाज हैंड वॉश करने चले गए थे, तो मैंने कह रहे थे मैं हैंड वॉश करके आ रहा हूँ फिर खाता हूँ मैं, क्योंकि वो भी थक गए थे नीचे लाइन में लगे लगे ना, तो फ्रेश होने गए थे। और यहाँ बच्चे बस फ्राइज खाते हैं और चिकन तो बिल्कुल नहीं खाते मेरे बच्चे, वो फ्राइज़ देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, बिल्कुल भी उन्होंने चिकन नहीं खाया था। और यहाँ पे उन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ था, यहाँ फोटोज़ भी ले सकते थे और बच्चे खेल भी रहे थे, तो मैं यहाँ इनको ले आई थी प्ले एरिया में। और यहाँ बिल्कुल भी कैमरे में नहीं देख रहे थे उनको, बस होता कि बच्चों को देखो भाई तुम क्या वीडियो बना रही हो, गुस्सा कर रहे थे बहुत ज़्यादा, बच्चे बस इंजॉय कर रहे थे मेरे। हमारा जाने का टाइम हो गया था क्योंकि रात ज़्यादा हो रही थी, घर जा रहे थे। और जन्नत तो बस यही कह रही थी कि मैंने खुद ही स्टेयर्स उतरना है, मुझे खुद ही चलना है, मुझे गोद में नहीं लो, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी हम लोगों को। तो बस यही मेरा व्लॉग एंड होता है, तो बस मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर आप सबको।